हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। डियर, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपसे दुनिया में कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद की इम्पोर्टेंट समझिए। एंड आपके सामने तीन नंबर हैं, 1, 2, 3। आपको अपने पर्सन का नाम लेकर कोई भी एक नंबर चुनना है। आप चाहे तो अलग अलग पर्सन का नाम लेकर भी अलग अलग नंबर चुन सकते हैं। जैसे कि आपके माइंड में तीन पर्सन्स हैं, आप जानना चाहते हो कि वो आप लोगों के बारे में या फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सिंपली आपको नंबर वन पर अपने नंबर वन पर्सन को रखना है, फिर टू, इस तरह से करके तीनों नंबर पर आप तीन पर्सन्स का नाम लेकर भी नंबर चुन सकते हैं, है ना। और अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड ये जर्नल रीडिंग है, जैसे कि आपको पता ही होता है कि जर्नल रीडिंग होती है तो सबके भाग्य अलग होते हैं, भाग्य रेखाएँ अलग होती हैं, तो कभी कभी रेजोनेट नहीं होती है। तो डियर, इस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप पॉजिटिव होकर देखेंगे तो 100% रेजोनेट होगी आपसे। एंड डियर, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनका नाम आपको मन में 3 बार 5 बार या फिर 7 बार लेना है सच्चे मन से। जिस भी पर्सन का नाम लेकर आप ये नंबर देख रहे हैं तो उनका नाम सच्चे मन से लीजिएगा डियर, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। बात करेंगे जिन्होंने नंबर 1 चुना है। हेलो डियर, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से प्यार कर रहे होंगे। एंड डियर, सबसे पहले दिल से थैंक यू वेरी मच। आप पूछेंगे थैंक यू किस चीज़ के लिए, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, व्यूज के लिए एंड लाइक्स के लिए, एंड जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू डियर। आप लोगों का इसी तरह अगर प्यार मिलता रहा तो हमारा जो रिश्ता है ना दोस्तों, बहुत आगे तक जाएगा, है ना। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए। और चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनका नाम लेकर आपने ये नंबर चुना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके डियर, देखिए ये जो आपके पार्टनर हैं अभी थोड़ा सा ना आपसे नाराज़ लग रहे हैं, किसी बात से लेकर थोड़े नाराज़ हैं, थोड़ा गुस्से में हैं। एंड डियर, प्यार बहुत करते हैं आपसे। देखिए लव रीडिंग है डियर, है ना, तो प्यार बहुत करते हैं आपसे, फीलिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है इनकी, बहुत प्यार करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट अभी हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में या फिर कुछ टाइम पहले आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा जैसा हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़े से नाराज़ आपसे लग रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर रहने लगे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो डियर, ये पर्सन जो हैं अभी आपसे नाराज़ हैं, लेकिन डियर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब इनके दिल में क्या चल रहा है ना आपके लिए, वो देख रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, जो ये लड़ाई झगड़ा आप दोनों का हुआ है या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका कसूरवार खुद को मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती इसमें है नहीं, गलती इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, दिल से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब एक डर है इनके अंदर कि कहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, है ना। तो इनके दिल में ये डर बैठा है, ये चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे गलती हुई है और ये माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो फिर आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ, इन्हें एहसास हो रहा है ना, बहुत कुछ गलत कह भी दिया है आपको, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं डियर, दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड बस डर इन्हें इस बात का है कि कहीं आप इन्हें माफ़ कर पाएंगे या नहीं, बाकी कुछ नहीं है। प्यार करते हैं, छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मूव ऑन नहीं किया है और ना ही करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, एंड चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें, हमेशा इसी तरह से इन्हें सपोर्ट करें। अभी थोड़े से टाइम से ही आप दोनों के बीच में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम था जब आप दोनों साथ थे, उस टाइम की यादें इनके दिमाग में हर वक्त चलती हैं, एंड पहले की तरह ही लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ। एंड यार, अगर रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। अब बात करेंगे जिन्होंने नंबर 2 चुना है। हेलो डियर, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे।
एंड यह जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग हमेशा सबसे कनेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा डियर, आप हमारे आने वाली वीडियो देखिएगा या फिर जो पहले से अपलोडेड है वीडियो आप वो देखिएगा, वो भी आपसे कनेक्ट ज़रूर होंगी, है ना। क्योंकि सबके नाम अलग होते हैं, भाग्य अलग होते हैं, भाग्य रेखाएँ अलग होती हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। जौन सी भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा, है ना। यूनिवर्स का नाम लेकर अगर आप रीडिंग देखेंगे या फिर सुनेंगे तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी, इस बात की गारंटी है, है ना। तो यूनिवर्स का नाम लीजिए और पॉजिटिव होकर सुनिएगा। चलिए देखते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके दिल में चल रहा है। ओके, देखिए डियर, ये जो पर्सन है ना, दिल के बहुत साफ़ हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। समझिए आपकी बिल्कुल टू कॉपी हैं, जैसा कि आप हैं, आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, कभी किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकते, उसी तरह सेम तरह से ये पर्सन भी हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। एंड इनका जो अभी देखिए आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चला है, जो भी आप दोनों देखिए अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है आपका भी। और देखिए डियर, ये जो पर्सन है ये सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे एंड आप चाहती भी थी कि बात करें या फिर चाहते थे कि बात करें तो ये नहीं कर पा रहे थे। करियर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है इन्होंने, इसीलिए सब कुछ हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। करियर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। करियर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही डियर। एंड देखिए थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी भी प्रॉब्लम में चल रही है डियर, तो इसलिए आपको भी इस बात का एहसास होगा कि ये अभी कितने परेशान हैं। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, उसके बाद ये आपसे आकर अपने दिल की बात कहेंगे। क्योंकि शायद आपको पता है या फिर नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी जो फीलिंग है इन्होंने हाइड की हुई है। ये चाहते हैं कि करियर एक बार कंप्लीट हो जाए, करियर में अपना प्रोग्रेस मिल जाए इन्हें, उसके बाद आकर आपसे अपने दिल की बात करेंगे, अपना दिल का हाल आपसे कहेंगे, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं एंड चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते हैं। आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि बस आप इनका इंतज़ार कीजिए, एक बार करियर से सेट हो जाएं, उसके बाद आपसे ज़रूर अपने दिल की बात कहेंगे। बस ये यही चाहते हैं कि आप इनका थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट नहीं कर पाएंगे। तो बस यही इनके दिमाग में है और कुछ नहीं है, बस ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, कहीं आप एक कहीं ये एक अच्छा दोस्त ना खो दें, इसी तरह लिए अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड यार प्यार बहुत है, मैं बार बार कह रही हूँ कि प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग हाइड है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने नंबर 3 चुना है उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। हेलो डियर, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड यार खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो समझिए कोई भी दुनिया में आपसे प्यार नहीं कर सकता है। तो अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए एक्शन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए, है ना। सॉन्ग आपने सुना होगा कि किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। तो वो सॉन्ग एक बार सुनिएगा ज़रूर, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कह नहीं पा रहे हैं अपने दिल की बात। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या है। देखिए डियर, ये जो आपके पार्टनर हैं इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट फीलिंग्स हाइड किए हुए हैं। एंड डियर देखिए, अभी जो क्या हुआ है ना कि आपका काफ़ी टाइम से, देखिए आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, है ना, अनमैरिड भी हो सकते हैं, तो आप दोनों का क्या है ना, काफ़ी टाइम से ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है ना। आप दोनों एक दूसरे से ना मिलते हैं ना बात करते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है ना। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उनका तो काफ़ी हद तक मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। एंड यार देखिए, जो आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है, इसमें कुछ और नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके रिश्ते के लिए, बहुत ख़तरनाक है, ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एंड यार इसके ही बदौलत आप दोनों दूर हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में इन्वॉल्व है, इसे बाहर निकालिए डियर। क्योंकि अभी देखिए, ये जो आपके पार्टनर है ना, इन्हें तो पता चल गया है कि थर्ड पार्टी का ही सब कुछ किया धरा है, तो ये आपसे इस बात को कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इस पर्सन ने मुझे भड़काया या फिर इस पर्सन ने कुछ भी कहा, मतलब
है ना, ये आपसे कहना चाहते हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है, मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मतलब ये बातें आपसे कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत प्यार करते हैं, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे कभी भी, एंड हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको याद कर रहे हैं, एंड यार आप भी कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यार कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि मुझे रोना आ रहा है, आपका रोने का मन करता होगा। एंड यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो डियर ये सब इसी वजह से है क्योंकि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपको बहुत मिस करते हैं, एंड सेम सिचुएशन इनके साथ भी है, क्योंकि ये आप जैसा आपको फील होता है सेम टू सेम इन्हें भी फील होता है। तो इनका जो कहना है बस यही है कि आप इन्हें समझ जाओ कि गलती इनकी नहीं थी, गलती थर्ड पार्टी की थी, एंड ये पर्सन चाहकर भी आपसे नहीं कह पाते हैं ये बातें, क्योंकि देखिए आप जानते हैं आपके पर्सन को, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो है ना, तो ईगो के चलते ये सब कुछ नहीं कह पाते हैं। बाकी और कुछ भी बात नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लाइक 1 से 2 महीने का, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। एंड जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ उन्हें खुद आकर मनाकर लेकर जाएंगे, एंड यार जो लोग अनमैरिड हैं उनके जीएफ बीएफ जो भी हैं वो भी आकर खुद ही सॉरी बोलेंगे, एंड थर्ड पार्टी के बारे में बताएंगे, जिसने भड़काया है उसका नाम लेंगे। एंड यार रीडिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, एंड यार रिमेंबर दैट ये रीडिंग जो है जर्नल रीडिंग है। थैंक यू वेरी मच।